मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस फिलहाल उठ गए हैं, कल रात को मैं यहीं पे सोया था, अब से मेरा यही रूम है। अभी को सैल को चिकन पॉक्स हो गया ना, तो सैल को ने अपना रूम दे दिया था, तो फिलहाल अभी कुनाली आ चुका है मेरे साथ में। बस कुनाली को ना आ जाए यार, कुनाली आपको हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पता है बहुत दर्द होती है उसमें। और गाइस ये देखो हमारा प्यारा टेबल टूट चुका है, ये देखो पूरा क्रैक आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे ना सैल ने गर्म पानी रख दिया था और गर्म पानी से टूट गया ये कांच पूरा, तो कांच पूरा चेंज कराना पड़ेगा हमको। ये टेबल अब ख़राब लग रहा है और ये डेंजरस भी है, ये कभी और टूट सकता है ना, तो इसको चेंज कराएंगे। ये कैसे टूटा? ने ना गर्म पानी रख दिया था इस पर, एक डेग में गर्म पानी था, तो गर्म पानी से ना जैसे कांच के ऊपर या फिर ना किसी ऐसी जो पिघल जाए ना उसके ऊपर ना गर्म पानी रखते, एकदम खोलता हुआ गर्म उबलता हुआ गर्म पानी रख दिया। तो आप भी कभी मत रखना ठीक है, गर्म पानी से कांच के ऊपर या फिर किसी प्लास्टिक के प्लास्टिक भी पिघल जाएगा बताया। ये देखो गाइस पूरा क्रैक हो चुका है यहाँ से, ये हटो हाथ कट जाएगा। फिलहाल तो इसको लगा देते, इसको चेंज करवाना है। चलो फिलहाल साहिल को देख के आते क्या हाल है। साहिल लगे आप उस कमरे में मत जाना, उस कमरे में नहीं जाना। तो साहिल यहाँ बैठा है, आग के अंदर हो गया। हाँ मेरे भी आग के अंदर हो गया, यहाँ पे नीचे हो गया, यहाँ पे अंदर हो गया। मास्क नहीं उतारा है देखो, इसके मुंह पे दाने हो रहे हैं ना, ज्यादा हो गए क्या? तू फिर आ रहा है इस रूम में, चल बाहर। साहिल तो मस्त आलू के पराठे खा रहे भाई, मुझसे तो नहीं खाए जा रहे थे। तो फिलहाल मैं अपनी दवाई खाता हूँ। कुनाली चलो आज घूमने चलते हैं, गेमिंग जोन नहीं यार, गेमिंग जोन से बोर हो गए। गेमिंग जोन बोर नहीं होते आप गेमिंग जोन से? तो गाइस अब हम चलते हैं थार लेके, घर में तो कोई है नहीं तो बाहर घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए घूमे नहीं ना। पेट्रोल नहीं, पहले तो पेट्रोल डलवाना है इसमें। गाइस कुनाली नहीं आ रहा, कुनाली एक्साइटेड फॉर टीवी, टीवी देखेगा ना घर पे। अरे पता है हमको भाई, टीवी देखेगा तू। अबे एक और थार, सेम लाल थार हमारी तरह, देखो पहले मुझे लगा हमारी है, फिर याद आया भाई मैं तो अपनी थार में बैठा हुआ हूँ, नंबर अलग है। तो आज सबसे पहले हम मिलते हैं निर्मल भैया से, निर्मल भैया से मिले जैसे बीमार हुए ना, निर्मल भैया के पास पहुंच गए, अब वो आएंगे। नमस्कार, फाइनली निर्मल भैया आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद, अमरूद लेके। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक अमरूद है इनके पेड़ के, थैंक यू निर्मल भैया। तो सबसे पहले हम आए अपनी फेवरेट जगह पे आज, कपड़ों की शॉप पे। तो गाइज अभी तो मेरे कोई कपड़े पसंद नहीं आए, तो चलो अब चलते हैं। तो गाइज अपनी पहली जगह होके आ गए हम, जो की कपड़ों की दुकान जहाँ पे हमको कपड़े मिले नहीं। तो अब हम जा रहे हैं, मैगी पॉइंट जा नहीं सकते बिकॉज अभी भी तबियत खराब हुई है, तो मैगी नहीं खानी हमको। पहाड़ पे जा सकते हैं और हमारे फेवरेट मोमोज भी नहीं खा सकते, अब हम खाना तो कुछ भी नहीं खा, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। तो अभी हम आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, थार में पेट्रोल देखो, पेट्रोल बहुत थोड़ा सा रह गया इसमें, तो गाइस पेट्रोल फुल करा लिया है, अब चलते आगे। हाय कैसे हो? बढ़िया। भुट्टे बना दो कितने? चार चार, एक में मिर्च मत डालना बस। पीछे याद है वही जगह जब अपने पास पैसे नहीं थे। अरे कितनी बार बताओगे, हर बार आते यही, यहाँ पे आते वही याद आता है मेरे को। तो गाइस और तो कुछ खा सकते लेकिन भुट्टे तो खा सकते हैं ना। तो भी गाइस रुके हैं यहाँ पे भुट्टे खाने के लिए, थार अपनी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे अपने भुट्टे मस्त गर्म हो रहे हैं। बस बढ़िया। अरे सौरभ भैया यार, पिछली बार तो मेरा फोन खराब हो गया था पर मैंने अब दूसरा ले लिया है, आज फोटो। अच्छा फोन ले लिया नया? अरे कांग्रेचुलेशन, अब वो बंद नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद पहाड़ों पे गाड़ी चलाई और भुट्टा खाने आए मस्त। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ घर वालों के लिए ले आते हैं, मम्मी पापा के लिए, क्योंकि हम आग जलाते हैं रात को तो आग में मस्त सेक सकते हैं। तो भैया दे दोगे वैसे? दे दोगे? तो ये बिना बिना मिर्च वाला मैं ये खाऊंगा, गर्मा गर्म भुट्टा, बहुत टाइम के बाद। जब भी देखो सरब जोशी बोलता रहता है। डर रहा हो? डर क्यों रहे हो? ये थार ये कौन सी थार है? बोल रहा है थार एक ही होती है, थार होती है भाई, छोटे बच्चों को पता थार के बारे में। कितने साल के हो आप? ये अभी 3 साल का है भाई, 3 साल का कह रहा है, कौन सी थार है? सो डोंट माइंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। नो इट्स ओके। भुट्टा खाओगे? नो भी नहीं। तो गाइस भुट्टा खा लिया मस्त, पेट भर गया, अब चलते हैं घर। मैंने पैक भी करा लिया मम्मी पापा के लिए, ठंडा पानी मत पी फिर बीमार पड़ जाएगा। चलो गाइस अब यूटर्न लेते हैं और चलते हैं यहां से, बाय। तो गाइस यूटर्न ले लिया है, अब चलते हैं घर। तो गाइस अब चलते हैं स्काईडेक बॉबी भैया से मिलने के लिए, बॉबी भैया को सरप्राइज देते हैं, उनको पता नहीं उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिले भी नहीं काफी टाइम हो गए, 15-20 दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो अभी गाइस हल्द्वानी पहुंच चुके हैं लेकिन वहां कुछ खाना नहीं है ठीक है, बॉबी भैया बहुत बोलेंगे, बॉबी भैया बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर तूने खाया तो आज के बाद लाऊंगा ही नहीं मैं, थोड़ा सा नहीं, बस तो मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं खाना अभी नहीं, जब प्रॉपरली सब ठीक हो जाएंगे तब। तो गाइस स्काईडेक तो पहुंच गया, गाड़ी यहाँ पे चढ़ा दी मैंने देखो, तो अब चलते हैं ऊपर, चल ले ले देख ले। हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्काईडेक आए थे लेकिन हम यहाँ घुस गए देखो, कपड़े लेने गए फिर से कपड़े। तो पीयूष उसके लिए हमने एक ले लिया, ले पीयूषी चलो अब चलते हैं फाइनली ऊपर, उनके साथ में कोई हो सकता है। गेट खोलते ही अल्लाह ने बताया, हेलो हेलो हेलो, वाह यार वेरी गुड सरप्राइज, अरे वाह। और बेटा ठीक है?
फिट है? हाँ मैं फिट, मैं ठीक हो गया अब। चल बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया तेरे को। जंगल के लिए रेडी, जंगल के लिए रेडी। लोग आपको मिस कर रहे थे। मिस करेंगे यार, अभी बहुत टाइम से हम भी मिस कर रहे थे, है ना? और स्मार्ट लग रहा है अभी। स्मार्ट लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। चाय कॉफी ठंडा कुछ? चाय कॉफी मंगाओ? नहीं नहीं, कॉफी चल जाएगी। कॉफी थोड़ा मना करोगे? पीयूष नहीं, पीयूष नहीं, कॉफी पी लेंगे ना। ठीक है, उसका रिएक्शन देखो उसका। बेटा अभी बता दे, कुछ लाल मंगाना है, मंगाया था आपको टैक्सी। नहीं कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कॉफी आ गई बहुत है। तो गाइस यहाँ आ चाहिए गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी पी सकते। तो चलो गाइस अब चलते हैं, बहुत देर रुके यहाँ पे बात। और हमने प्लान भी बना लिया जाने का मस्त, तो देखना मस्त एडवेंचरस व्लॉग आने वाले बोलिए के साथ। सारे एडवेंचरस व्लॉग गाइस आज जो कंट्रोल किया है ना, मतलब खाने का इतना मन कर रहा था मेरा, इतना कुछ खाने का मन कर रहा था लेकिन कंट्रोल कर लिया फाइनली। ठंड इतनी हो रही है ना, कोई बैठा नहीं अभी, यहाँ सारे नीचे बैठे होंगे। तो गाइस अंधेरा हो चुका है, तो भी गाइस हमने सैर के लिए दवाई ली है, देखो कितनी बड़ी गोली है भाई। तो पापा जी काट रहे हैं हरी सब्जी, यहाँ पे क्या बना रहे हो गाइस? आज तो मस्त मस्त चीजें बन रही है, देखो भाई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये क्यों बन रही है? क्योंकि ये देखो मामी आई है ना घर में, न्यू कपड़े लेके आया, उतार दे इसको, दिखाने की जरूरत नहीं ज्यादा। कहीं बाहर जाएगा तभी डालियो, घर में मत डालियो, ठीक होता जी। और यहाँ चल रहा है इंडिया और श्रीलंका का मैच, ये तेरी दवाई, ये कितनी बड़ी बड़ी गोली है। बैल खाते इनको। तो भी गाइस टाइम आ चुका है सैल को दवाई लगाने का, तो मैं ही लगाता हूँ सैल को दवाई ग्लव्स पहन के। और गाइस गुड न्यूज है, फाइनली इंडिया जीत चुकी है फाइनली। और मम्मी जी कर रही है पूजा, मम्मी का व्रत है ना आज। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने बेड पे, यहीं पे एडिटिंग शुरू करते हैं अब। तो गाइस खाना भी आ चुका है, ये गडेरे की सब्जी, हरी सब्जी, बड़ा और पुआ और रोटी। तो मुँह में पानी आ रहा होगा आपके, मेरे भी खाते में जल्दी भूख भूख लग रही है। आज बढ़िया खाना क्यों बना? क्योंकि घर में नहीं नहीं वैसे भी खिलाते हो, अरे मतलब मेहमान आते तो थोड़ा और मस्त मिलता है ना, बेस्ट वाला। वैसे भी आपका बेस्ट होता है, मैं नहीं कह रहा आपका खराब होता है, मैं कह रहा हूँ बेस्ट होता है आपका, लेकिन जब मेहमान आते तो और ज्यादा बेस्ट होता है। गाइस मम्मी थोड़ा गुस्सा हो चुकी है। तो जितने मेहमान देख रहे हैं आते रहो हमारे घर में, ताकि और मस्त मस्त नई नई चीजें बनती रहें। लेकिन हरी सब्जी परमानेंट है, हरी सब्जी आपको डेली देखने को मिलेगी। मम्मी जी बैठ चुकी है अपने फेवरेट काम में, भजन के लिए। कितना क्यूट डांस कर रहे हैं, तो कुनाली रोटी ला रहे हैं मेरे लिए। ओहो नाचते नाचते, ओहो थैंक यू कुनाली। तो गाइस ओरियो भी आ चुके हैं यहाँ पे भजन सुनने के लिए।